नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्वाति मालीवाल ने तो चुप्पी साध ली, क्या अब भी एक्शन ले सकती है पुलिस? दो रास्ते। कथित शराब घोटाले में करीब 50 दिनों तक जेल में रहने के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल फिर बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोमवार को पुलिस को कॉल करके मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। मालीवाल ने थाने जाकर भी मौखिक शिकायत की और बताया कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उन पर हमला किया। पीसीआर कॉल के बाद पुलिस ने जो नोट लिखा उसके मुताबिक मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल ने उन पर यह हमला कराया। पीसीआर पर दो कॉल करने के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची। इस बीच स्वाति मालीवाल एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सिविल लाइन थाने पहुंची। बताया जाता है कि इस दौरान उन्हें कुछ फोन कॉल आए जिसके बाद वह ये कहकर लौट गई कि कुछ देर बाद वापस आएंगी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आई। स्वाति मालीवाल ने पूरी तरह चुप्पी साध ली है। उन्होंने ना तो मीडिया के सामने कुछ कहा और ना ही सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया दी। ऐसे में पुलिस उनसे लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है। स्वाति मालीवाल की शिकायत को फिलहाल पेंडिंग में रखा गया है और खबर लिखे जाने तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस इस मामले में लीगल ओपिनियन ले रही है कि क्या डीडी एंट्री और पीसीआर कॉल के आधार पर आगे बढ़ा जाए। कई केस में इस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। जानकारों के मुताबिक पुलिस के पास अब दो विकल्प हैं, पीसीआर और डीडी एंट्री के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। आमतौर पर पीड़ित के सामने नहीं आने पर ऐसा किया जाता है। इसके अलावा पुलिस मालीवाल से संपर्क करके उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने को कह सकती है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार अन्ना अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी हैं। एनजीओ के दिनों से ही तीनों साथ काम करते रहे हैं। स्वाति मालीवाल पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं और महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए महिला अधिकारों के लिए मुखरता से लड़ती रही हैं। इसी साल पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया है। ऐसे में मालीवाल की ओर से की गई पीसीआर कॉल ने दिल्ली की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी शुरू कर दी है। उधर आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।